इमेजिन करिए एक ऐसा फ्यूचर जहां पे आप जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो क्लीन है, जो एनर्जी आप यूज कर रहे हैं वो रिन्यूएबल है, और जो हमारा प्लैनेट है वो थ्राइव कर रहा है। सोचकर अच्छा लग रहा है ना। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये सब हो सकता है अगर हम विंड एनर्जी के पावर को हार्नेस कर सके। यस, दैट्स ट्रू। तो चलिए जॉइन अस एज वी डिकोड द विंड एनर्जी सेक्टर इन इंडिया एंड डिस्कवर हाउ दिस अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स इज चेंजिंग द गेम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट बिफोर दैट, लेट अस अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन ऑफ इंडियाज विंड एनर्जी सेक्टर। क्या आपको पता है द विंड एनर्जी सेक्टर इन इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड? यस, दैट्स एक्चुअली ट्रू। As of March 2023, India has installed a wind power capacity of 42.633 gigawatts, making it the fourth largest wind power market in the world. चलिए अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। एक गीगावाट लगभग 7,50,000 घरों को पावर दे सकता है, तो 42.633 gigawatts लगभग 31.97 लाख घरों को पावर दे सकता है। Now, isn't that huge? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विंड एनर्जी क्लीन एनर्जी का 34.06 टोटल कैपेसिटी होल्ड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विंड एनर्जी कैसे कॉस्ट इफेक्टिव और क्लीन है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर विंड एनर्जी के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो फ्यूल फ्री है और ये CO2 इमिशंस भी प्रोड्यूस नहीं करता। सिर्फ यही नहीं, विंड फार्म को जल्दी बनाया जा सकता है और विंड फार्म की जमीन को फार्मिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, और ये दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म्स के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो मतलब विंड फार्म्स को दो तरीके में यूज किया जा सकता है। वाओ, तो फार्मर्स भी खुश और हम भी। इसके अलावा दूसरे सारे पावर सोर्सेस के अनलाइक विंड एनर्जी वाटर नहीं कंज्यूम करता, जो खुद में एक स्कार्स कमोडिटी बन जाएगा फ्यूचर में। है ना ये इंटरेस्टिंग एडवांटेजेस। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इंडिया कैन सेव अप टू $19.5 billion अ ईयर, जो कि है ₹1,588 billion, बाय शिफ्टिंग फ्रॉम कोल टू क्लीनर एनर्जी। और जैसे कि दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है और नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, ग्रीन और क्लीनर एनर्जी में ट्रांजिशन करना सभी कंट्रीज के लिए एक टॉप प्रायोरिटी बन चुका है। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं? तो क्या आप उन स्टेप्स को जानना चाहते हैं? तो चलो जानते हैं। एट द COP26 समिट, इंडिया मेड अ बोल्ड कमिटमेंट टू रीच नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070 एंड टू मीट 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030। दो सोलर एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ सेंटर स्टेज। विंड एनर्जी विल ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मीटिंग इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी डिमांड एंड अचीविंग दिस टारगेट। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट फिक्स किया है, जिसमें से 140 गीगावाट विंड एनर्जी से होगा। नाउ इट्स क्लियर, द विंड एनर्जी सेक्टर हैज ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो। बट क्या आपको पता है कि इस सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में काफी चैलेंजेस फेस किए हैं? आपको नहीं पता तो डोंट वरी, मैं हूं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले बात करें तो 2017-18 से प्राइसिंग मैकेनिज्म फीड इन टैरिफ, मतलब FIT से रिवर्स ऑक्शन में बदल गया। इसकी वजह से टैरिफ कम हो गए जो कंज्यूमर के लिए अच्छे थे, लेकिन डेवलपर्स के लिए रिटर्न्स कम हो गए। तो रिवर्स ऑक्शन क्या होता है? रिवर्स ऑक्शन एक तरह का ऑक्शन है जिसमें बायर्स और सेलर्स के रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। आपको पता होगा कि एक ट्रेडिशनल ऑक्शन में मल्टीपल बायर्स एक प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करने के लिए हायर प्राइसेस बिड करते हैं, लेकिन एक रिवर्स ऑक्शन में मल्टीपल सेलर्स एक प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बायर्स को लोअर प्राइसेस बिड करते हैं, तो सबसे कम बिड वाला सेलर ऑक्शन जीत जाता है। इसका मतलब सेलर्स का नुकसान और बायर्स का फायदा। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन और इवैक्यूएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में बहुत टाइम लग रहा है। सिर्फ 41% प्रोजेक्ट्स जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब SECI ने 2018 से 2022 में दिए थे, दिसंबर 2022 तक कमीशन हो पाए, जबकि 23% कैंसिल हो गए और बाकी सब डिले हो गए। इन सब का कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं था विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। अब
आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आंसर बहुत सिंपल है। ये सब की वजह से विंड कैपेसिटीज का ग्रोथ सोलर कैपेसिटीज के कंपैरिजन में स्लो हो गया, जबकि इंडिया का 5 फिस्कल ईयर्स में सोलर कैपेसिटी का एवरेज 8.3 गीगावाट्स पर एनम ऐड किया। विंड कैपेसिटीज का एवरेज सिर्फ 1.6 गीगावाट्स पर एनम बढ़ा। इसका मतलब कुछ 5 टाइम्स कम। हाँ, यू आर राइट। ओह माय गॉड, आप तो इस सेक्टर के चैलेंजेस सुन के शॉक तो नहीं हो गए, बट चिंता मत कीजिए, हमारी गवर्नमेंट है ना हमारे लिए। गवर्नमेंट ने इनकी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले, टू रिवाइव द सेक्टर, द गवर्नमेंट एम्स टू अवार्ड 8 गीगावाट्स ऑफ विंड टेंडर्स पर ईयर, विच इज मोर देन डबल द प्रीवियस रेट ऑफ 3.3 गीगावाट्स पर ईयर। सो दिस मीन्स दैट इट कैन हेल्प इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ विंड कैपेसिटी इफ डन वेल। Most importantly, the reverse auction process has been replaced to prevent irrational bidding. Because of this, tariffs are expected to rise 20-30% over the recent ₹2.89-2.94 per unit to provide more than 10% internal rate of return. अब जैसे कि आपको पता है, India has the fourth largest installed capacity of wind power in the world. But क्या आपको पता है, India also has a long coastline of over 7,600 kilometers, which can be used for offshore wind farms. पर ये offshore wind farms क्या होते हैं? Offshore wind farms sea में set किए जाते हैं ताकि वहां के wind से energy produce किया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। और ये फार्म्स ऑनशोर विंड फार्म से बेटर है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर विंड्स प्रोवाइड करते हैं, इनमें लेस सीजनल वेरिएशन होता है और इनिशियल परमिट के बाद कोई चैलेंजेस नहीं होते। बिकॉज ऑफ दिस, द गवर्नमेंट विल सून लॉन्च अ टेंडर फॉर द कंट्रीज फर्स्ट ऑफशोर विंड फार्म इन सदर्न तमिलनाडु स्टेट, एंड दीज ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स विल बूस्ट इंडियाज विंड सप्लाई चेन एंड इंस्टॉलेशन इंडस्ट्री। Another 3 offshore wind farms will be set up in Saurashtra, South Gujarat and the Gulf of Khambhat coastlines. इससे तो पता चल रहा है कि इंडिया अपने 140 गीगावाट टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहा है ना? Further, to make sure that higher wind power tariffs are good for state distributors, the Ministry of New and Renewable Energy, मतलब MNRE, has made a rule. तो ये रूल क्या है? The rule says that the discovered renewable tariffs for each state will be pooled and offered to distributors at an average tariff by an intermediary like the SECI, Solar Energy Corporation of India. इससे developers का risk कम हो जाएगा। इसके अलावा MNRE ने decide किया है कि वो bank guarantees को revoke कर देगी अगर developers project को 1 साल से ज्यादा delay करते हैं, और डेवलपर्स को ब्लॉक किया जाएगा 5 साल के लिए अगर उन्होंने एक प्रोजेक्ट को 18 महीने से ज्यादा डिले किया। तो ये थे कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा। बट क्या सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव सफिशिएंट होते हैं? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से अगर इस सेक्टर को अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना है तो उन्हें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो क्या है ये स्टेप, ये जानते हैं। सबसे पहले, क्योंकि इंडिया में विंड स्पीड लो टू मॉडरेट है, इसीलिए स्पेशलाइज्ड विंड टर्बाइन जनरेटर मतलब WTG टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जैसे कि हायर कैपेसिटी WTGs, टॉलर टावर्स जो हाई स्पीड विंड को टैप कर सके, और बड़े टर्बाइन जो स्ट्रॉन्ग हो, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलकर काम करना पड़ेगा ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट को कम करने के लिए। ये फाइनेंसिंग और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन के साथ विंड एनर्जी को टॉप ग्रीन एनर्जी चॉइस बना सकता है। इसके अलावा, इंडिया को अपने पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करना चाहिए और एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में रिसोर्सेज अलोकेट करने चाहिए ताकि विंड पावर को ग्रिड में सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सके। ये सब करने से विंड एनर्जी सेक्टर शायद अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएगी और अपॉर्चुनिटीज को सीज कर पाएगी। ये सब सुनकर आपको विंड एनर्जी सेक्टर में एक पॉजिटिव वाइब आ रही होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस मैसिव विंड एनर्जी पुश की वजह से कौन कौन सी कंपनीज बेनिफिट कर सकती है? शायद आपको ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो आपका वेट खत्म करते हैं और इन कंपनीज का नाम डिस्क्लोज करते हैं। One company that could possibly benefit is Suzlon Energy Limited. It manufactures, operates and maintains
wind turbine generators. The company has great manufacturing capabilities and they have recently upgraded their unit to assemble 3 gigawatt machines, up from the previous 2 gigawatt, and aim to assemble next generation machines with a capacity of 5 gigawatts. Another company that is in a sweet spot is Inox Wind, a leading domestic manufacturer of wind turbines. The company has a significant order book of over 1200 megawatts, good enough to run their plants at high utilization over the next 2 years. Apart from these two companies, other major players are Siemens Gamesa, Vestas, Enercon, and GE Renewable Energy. India ke wind energy sector mein bahut potential hai, lekin pichle kuch saalon mein isne kafi challenges face kiye hain. Government ne in challenges ko dur karne ke liye important decisions bhi liye hain. लेकिन इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए विंड सेक्टर को नई अपॉर्चुनिटी सीज करनी होगी. ओवरऑल इंडिया के विंड एनर्जी सेक्टर में आने वाले सालों में बहुत ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा. तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो से समझ आ गया होगा इंडिया के विंड एनर्जी सेक्टर के बारे में. अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग.